मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि बच्चों के हित में फैसला लिया गया है, बच्चों को स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है, क्योंकि देश भर के 1.5 करोड़ बच्चे इस बात से दुखी थे कि उनकी 12वीं की क्लास लगातार खिंचती जा रही है, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। दूसरी तरफ उनके मन में ये भी था कि अब हम आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे जब 12वीं ख़त्म नहीं होगी, और अगर परीक्षा देने के लिए बाध्य किया जाएगा तो उसका नुकसान यह है कि आज जिस तरह से देश में कोरोना बढ़ रहा है उसमें उनकी जान को खतरा था। कोई भी पेरेंट नहीं चाहता था कि उसके बच्चे को उसकी जान पे खेल के परीक्षा दिलवाई जाए। इसीलिए जब थोड़े दिन पहले मीटिंग हुई थी उसमें मैंने सबकी तरफ से 1.5 करोड़ बच्चों की स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए फैसला लेने के लिए कहा था, और आज बहुत अच्छी बात है कि पेरेंट्स के हित में है, टीचर्स के हित में है, बच्चों के हित में है, देश के 1.5 करोड़ बच्चों के हित में ये फैसला है। इसका हम स्वागत करते हैं, और इसके लिए देश भर के बच्चों को भी मैं कहना चाहूँगा कि अब आपकी 12वीं की परीक्षा जो क्लास थी वो लगातार जो खिंचती चली जा रही थी उसका एक टर्म एंड, उसका एक जो लॉजिकल एंड आ रहा है, पर अपनी पढ़ाई जिस तरह से आप करते रहे थे आगे के लिए भी करते रहें। सर, एक सवाल ये कि जो बच्चे एग्ज़ाम देना चाह रहे थे और सबसे मेन ये है कि अब इनको आगे एडमिशन्स कैसे मिलेंगे, इन सब चीज़ों को लेकर बहुत टाइम। हमने जो प्रस्ताव दिया है, अब हमने यही कहा था कि आप एग्ज़ाम कैंसिल कर दें और 10वीं 11वीं और अभी पिछले एक साल में 12वीं के दौरान बच्चे ने बहुत सी इंटरनल परीक्षाएं दी हैं, प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस दिए हैं, 10वीं की बोर्ड की परीक्षाएं दी है, मिड टर्म्स दिए हैं, उन सब में उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर उसका आकलन करें और उसको फिर 12वीं में उसके रिजल्ट डिक्लेयर करें उसके बेस पे। फिर भी अगर कोई बच्चा उससे संतुष्ट नहीं होता है तो उसको एग्ज़ाम दिलाने की कोशिश करें जब सिचुएशन ठीक हो जाए। तो जो सूचनाएं आ रही हैं, अभी डिटेल्स तो CBSE की ओर से बाद में जारी होगा, लेकिन जो सूचनाएं अभी आई हैं उससे लग रहा है कि यही प्रस्ताव आगे बढ़ाया गया है कि पिछले 2 या 3 साल के आधार पर बच्चे का आकलन किया जाए और फिर जो बच्चा परीक्षा देना चाहे उसको परीक्षा का मौका दिया जाए समय अनुकूल होने पर।